दोस्तों गूगल ने अपना नया सॉफ्टवेयर वर्जन एंड्रॉइड ओ लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि इसे ओरियो नाम से जाना जाएगा। बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी गूगल ने सॉफ्टवेयर के नाम को मीठी चीज पर रखने की परंपरा बरकरार रखी। इस नए ओएस में कई नए फीचर्स आए हैं जिसमें दोगुना बूटअप, नोटिफिकेशन डॉट ऑडियो क्वालिटी जैसे फीचर्स मौजूद है। दोस्तों इसकी फीचर की बात करें तो एक नोटिफिकेशन डॉट नए एंड्रॉइड का सबसे बढ़िया फीचर है नोटिफिकेशन डॉट जो बताएगा कौन सी नोटिफिकेशन नई है जिसे आप स्वाइप भी कर सकते हैं। इसके अलावा को नोटिफिकेशन को अलग अलग कैटेगरी में रखता है। इससे यूजर की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन बल्क में नहीं दिखाई देते। दो पिक्चर इन पिक्चर मोड इसका दूसरा बढ़िया फीचर है पिक्चर इन पिक्चर यानी पिप। इस फीचर के जरिए यूजर्स को वीडियो को मिनिमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा साथ ही दूसरी ऐप इस्तेमाल करते हुए भी देख पाएंगे। तीन ऐप शॉर्टकट कंपनी ने ये फीचर एंड्रॉइड नूगा से ही शुरू कर दिया था। इसमें यूजर अगर ऐप को देर तक प्रेस करेंगे तो इसका स्क्रीन पर इसका शॉर्टकट बन जाएगा। चार इमोजी इसमें 60 नए इमोजी जोड़े गए हैं। इसके अलावा इसके लाइब्रेरी में भी बदलाव किया गया है। पाँच न्यू सेटिंग मेन्यू इस नए ओएस की सेटिंग को नया डिजाइन दिया गया है। पहले जैसे इसमें स्लाइड करने का ऑप्शन था उसे हटाकर इसका कैटेगरी में कर दिया गया है। छह स्मार्ट टेक्स्ट सेलेक्ट टेक्स्ट सेलेक्शन टूल को ढूंढने के बजाय गूगल ने ओरियो में नया स्मार्ट टेक्स्ट सेलेक्ट का ऑप्शन रखा है। इसमें गूगल आपके एड्रेस फोन नंबर जैसी जानकारियों को पहचान लेगा। जैसे आप किसी टेक्स्ट को डबल टैप करके कॉपी करते हैं तो गूगल इसकी पहचान करके एक्टिविटी सजेस्ट करेगा। सात सेफ्टी स्कैन गूगल ओरियो में सेफ्टी के लिए सेटिंग में अलग से ऑप्शन दिया गया है। इसमें गूगल प्ले प्रोटेक्ट भी मौजूद है। आठ वाईफाई कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए इसमें नया वाईफाई अवेयर फीचर दिया गया है। इससे कई डिवाइस बिना इंटरनेट एक्सेस के भी एक दूसरे से वाईफाई के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। नौ बैटरी अमूमन जब हम देखते हैं कि कौन से एप्स फोन की बैटरी ज्यादा यूज कर रही हैं, तो गूगल प्ले सर्विसेज दिखती है। हालांकि इससे यह मालूम नहीं चलता कि इसमें कौन से एप्स शामिल हैं। ओरियो में यूजर्स को बैटरी कंज्यूम करने वाली एप्लीकेशंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसे वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 10. चेंज द ऐप आइकॉन अब यूजर को ऐप आइकन के लिए कोई थीम डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ओरियो में एप्स के लिए चार तरह के ऑप्शन दिए हैं जिसमें राउंड स्क्वायर स्क्वर्कल और टीयरड्रॉप जैसी थीम मौजूद होंगी। 11. लाइट नाइट स्लाइडर इस नए सॉफ्टवेयर में अगर आप नाइट लाइट मोड यूज कर रहे हैं तो इसमें यूजर्स अपने हिसाब से ब्लू लाइट फिल्टर एडजस्ट कर सकेंगे। 12. न्यू क्विक सेटिंग इसमें क्विक सेटिंग टाइल यूजर्स के फोन के आइकन को अलग लुक देगा। 13. स्नूज नोटिफिकेशन इसमें नोटिफिकेशन को स्नूज करने का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें यूजर्स नोटिफिकेशंस को 15 मिनट 30 मिनट स्नूज कर सकेंगे। 14. थर्ड पार्टी कॉलिंग इससे यूजर्स थर्ड पार्टी कॉलिंग एप्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। 15. ऑडियो क्वालिटी साउंड इफेक्ट को दमदार बनाए रखने के लिए इसमें हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक्स दिए गए हैं जो गजब का आउटपुट देते हैं। इसके अलावा इसमें ऑडियो नाम की अलग से एप्लीकेशन भी दी गई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले।